दोस्तों, अगर आप लोगों के फेसबुक अकाउंट पे फेसबुक सिक्योरिटी की लग चुकी है और वो अनलॉक नहीं हो पा रहा है, वो अकाउंट आपका रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक पूरा देख लेंगे तो आपका अकाउंट 100% रिकवर हो सकता है दोस्तों। अब वो कैसे होगा और क्या क्या आपको करना है और किस तरीके से रिकवर होगा और क्या आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, सारा कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्टेड, वीडियो को लास्ट तक पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लास्ट में छोड़ के चले जाएंगे या बीच में छोड़ के चले जाएंगे ना, लास्ट तक नहीं देखेंगे, तो आपको शायद सब कुछ समझ में ना आए ठीक से और आप सब कुछ अप्लाई ठीक से ना कर पाए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक पूरी देखिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल के पहले पुराने सब्सक्राइबर या फिर व्यूअर हैं तो आप लोगों को पता होगा मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि कैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। उसमें आपको आईडी अपलोड करनी होती है, तब जाके अकाउंट रिकवर हो जाता है। काफ़ी लोगों का हुआ भी है। अब लेकिन काफ़ी लोग ऐसे जिनका नहीं हो पा रहा, वो अपनी सही आईडी भी अपलोड कर रहे हैं लेकिन फेसबुक उनका अकाउंट रिकवर नहीं कर रहा, उनको रिकवरी लिंक नहीं सेंड कर रहा मेल पे। तो ऐसे में उनको क्या करना है? अब ऐसे में देखिए, मेरे पास काफ़ी मतलब डेली काफ़ी सारी कमेंट्स आती हैं आप लोगों के उन सभी वीडियोस पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, डीएम आते हैं कि भाई हम लोग का अकाउंट रिकवर कर दो प्लीज़, हमारा रिकवर नहीं हो पा रहा। और कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं भाई हमसे 5,000 रुपये ले लो, 10,000 रुपये ले लो, 20,000 ले लो। एक बंदे ने तो 1,00,000 रुपये तक बोल दिया था कि भाई मुझे अपना अकाउंट रिकवर चाहिए था, चाहे आप कितना भी पैसे ले लो मुझसे, ठीक है। और कंट्री के बाहर से भी मुझे मेल्स आते हैं अभी, मतलब मैसेज आते हैं, कभी सऊदी अरबिया से आते हैं या फिर बांग्लादेश वगैरह से, नेपाल से, तो मतलब बाहर कंट्रीज से भी मुझे मैसेज और डीएम्स वगैरह आते हैं, कमेंट्स आते हैं आप लोगों की कि हमारा अकाउंट रिकवर कर दो, चाहे आप पैसे ले लो। तो पहले बता दूँ देखिए कि इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ बड़े ध्यान से आप लोगों को सुनना है, ठीक है। तो आप लोगों की जब भी सारी प्रॉब्लम्स थी तो मैं भाई कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की प्रॉब्लम किसी ना किसी तरह सॉल्व करूँ। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया, मुझे फेसबुक पे एक बंदे का अकाउंट मिला, आई थिंक वो एक एथिकल हैकर है। एथिकल हैकर जो होते हैं वो अच्छे हैकर्स होते हैं, वो बुरे हैकर नहीं होते, ठीक है, वो अच्छा काम करते हैं। तो बंदा वो है और वो बंदा यूके में है भी, वो पढ़ाई वगैरह कर रहा है। मेरी उससे बात हुई फेसबुक पे, तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि भाई मेरा एक फेसबुक अकाउंट है, उस पर सिक्योरिटी की लग चुकी है और उसको रिकवर करना, कि आप कर दोगे? तो उसने बोला मैं कर दूंगा, और उसके बाद में मैंने उसके स्क्रीनशॉट सेंड किया, मतलब जो प्रॉब्लम आती है अकाउंट पे जब सिक्योरिटी की लग जाती है, तो उसने उसको देख के बोला ठीक है मैं कर दूंगा। तो उस बंदे ने मुझे बताया भाई कि इसके लिए मुझे एक कोड परचेस करना पड़ेगा जिसका चार्ज लगता है 5,000 रुपये, यानी कि जो डार्क वेब के जो वेंडर्स होते हैं ना, वो कह रहा है कि वहाँ से वो कोड वगैरह कुछ परचेज करता है, जो लोग डार्क वेब वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ से कोड आएगा। तो उसने बताया मुझे 5,000 रुपीज़। तो मैंने कहा भाई इतने नहीं है मेरे पास। उसने बोला कितने देख सकते हो? मैंने कहा मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपीज़ है। तो बोला इतने में यार नहीं हो पाएगा भाई। तो उसने बोला आपको मिनिमम 3,000 तो देने ही पड़ेंगे। उसने मुझसे इतने पैसे मांगे और फिर मैंने उसे पूछा आप कहाँ से हो? उसने बताया कि भाई यूके में पढ़ाई वगैरह बंदा कर रहा है। तो मैंने उससे बोला कि भाई मैं आप कैसे ट्रस्ट करूँ यार, मैंने उसे ऐसे मतलब झूठ बोला थोड़ा सा कि भाई मैं आप कैसे ट्रस्ट करूँ, मैंने किसी और से पहले भी रिकवर कराया लेकिन उसने मुझे पैसे ले लिए और मेरा अकाउंट रिकवर नहीं किया। तो उसने बोला कि आप मुझसे 100% जो है ट्रस्ट कर सकते हो, जैसे आप मुझे पेमेंट करोगे मैं 10 मिनट के अंदर आपका अकाउंट रिकवर करके दे दूंगा। उस बंदे ने मुझे ये बताया दोस्तों। उसने कुछ स्क्रीनशॉट मुझे सेंड की जो मतलब जिसकी उसने मतलब हेल्प वगैरह की है इंस्टाग्राम मैसेंजर वगैरह को लेके, तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह भी सेंड किए। खैर ऐसे आप आंख बंद कर किसी विश्वास तो नहीं कर सकते। तो मैंने उससे पूछा आपको पेमेंट कैसे करूँ? तो उसने मुझे दो तीन जो मेथड बताया, वो इंटरनेशनल बताया, एक पेटीएम भी बताया। उसने बोला कि मैं पेटीएम भी यूज़ करता हूँ क्योंकि इंडिया से भी लोग हेल्प वगैरह मांगते हैं तो मैं पेटीएम से भी पेमेंट ले लेता हूँ। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई इस वीडियो में तू बताना क्या चाहता है? मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे पास कमेंट करके ये बोलते हैं कि भाई हम 5,000, 10,000 या 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं, कितने ही पैसे देने के लिए तैयार हैं, हमारा अकाउंट रिकवर करा दो, वो 1% चांस ले सकते हैं। मैं उस बंदे की प्रोफाइल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी मैं जाइए पहले वीडियो लास्ट तक पूरी देख लीजिए, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा प्रोफाइल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, उसकी प्रोफाइल का आप जाके उसको मैसेंजर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। पहली बार तो बंदा इंग्लिश में बात करता है, हिंदी में नहीं करता, उसको हिंदी नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल जो कीबोर्ड है उसका यूज़ करना है, वहाँ पे आप हिंदी में टाइप करते हैं तो वो इंग्लिश में टाइप हो जाता है। मेरी पुरानी वीडियो अगर आपने नहीं देखी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो उस टाइप से आपको उसके बात करनी है, अगर आप इंग्लिश आती है तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, आप उससे इंग्लिश में बात कीजिए और उसे बताइए कि हमारी ये प्रॉब्लम है, वो आपकी जो प्रॉब्लम शायद सॉल्व कर दे दोस्तों, क्योंकि उसने मुझसे बताया कि मैं 100% सॉल्व कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे दो ही ऑप्शन है आपके पास में, पहला वो तो ये है कि भाई आप अपने अकाउंट को अगर लॉक है तो लॉक ही रहने दें, अगर आपको खुलवाना ही है और आप पैसे लगा सकते हैं तो आप एक रिस्क ले सकते हैं। मैं इसको रिस्क ही बोलूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पैसे लेके 100% कर ही दे, हो सकता है वो ना भी करे, ठीक है, इसमें मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरा कोई जानकार है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, वो मुझे ऐसे फेसबुक पर मिला, मैंने उसे ऐसे ही बात वगैरह की है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो अगर आप चाहते हैं तो आप जाके उससे
अपना काम का मतलब कराने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप में से जो भी अगर कोई भाई जाता है जिसको लगता है कि भाई वो 2-3-4 हज़ार रुपये या 5 हज़ार रुपये दे सकता है, और अगर काम हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अगर उसको ऐसा लगता है कि भाई वो रिस्क लेना चाहता है, तो आप अगर आप जाते हैं कराने और आप उसको पेमेंट करते हैं और अगर आपका अकाउंट रिकवर हो जाता है, तो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भाई मेरा अकाउंट रिकवर हो गया। अगर नहीं होता तो भी आपको जरूर बताना है। अगर मुझे किसी एक बंदे का कमेंट आता है कि भाई हमारा अकाउंट रिकवर नहीं किया, उसने पैसे हमसे ले लिए, तो मैं तुरंत ही प्रोफाइल का मतलब जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उस बंदे की प्रोफाइल को, उसको वहाँ से हटा दूंगा ताकि और किसी के साथ ऐसा ना हो। और अगर आप लोगों में से किसी का कमेंट आता है कि भाई हमारा अकाउंट उस बंदे ने रिकवर करके दे दिया पैसे लेने के बाद में, तो मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको 100% श्योर होकर बता सकता हूँ कि भाई इससे अकाउंट रिकवर हो रहा है और आप लोग करा सकते हैं। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। याद रखना पेमेंट वो पेटीएम से लेगा, और पहले वो पेमेंट लेगा बाद में आपका अकाउंट रिकवर करेगा। उसने ऐसा बोला 10 मिनट लेगा, उसके बाद में पेमेंट लेने के बाद में 10 मिनट लगेंगे और वो आपका अकाउंट रिकवर कर देगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात मैं दोबारा से बता रहा हूँ भाई, मेरा इसमें कोई भी लेन देन नहीं है। ठीक है, मतलब मेरा इसमें बीच में मुझे बिल्कुल भी मत लाना कि भाई मैंने बताया इसलिए आप जा रहे हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बता रहा हूँ। अगर आपका पैसे हैं और आप रिस्क लेना चाहते हैं, मैं दोबारा से बात बोल रहा हूँ कि रिस्क है इसमें। ठीक है, क्योंकि बंदा जो दूसरी कंट्री में बैठा है वो आपका अकाउंट रिकवर करने के लिए बोल रहा है, लेकिन पहले आपसे पैसे ले रहा है 2-3-4-5 हज़ार रुपये लेगा वो। 5 हज़ार तो बताया गया आपको, शायद आप देख लें बात करें कम कर लेते हो। मेरे केस में उसने 3 हज़ार मुझे बता दिया था, क्योंकि मैंने उससे ऐसे ही बात की थी कि भाई मेरा अकाउंट है मुझे रिकवर कराना, तो उसने बोला हो जाएगा, 5 हज़ार लगेंगे। तो मैंने उससे बात की तो उसने 3 हज़ार में वो मान गया। तो आप बात करना भाई आप कितने कम करा सकते हो, कितने में कर सकता है बंदा। ठीक है, और वहां पे जाके आपको उससे बोलना कि भाई हम रोहित शर्मा की वीडियो देख के आए हैं, फिर ऐसा आप बता सकते हो। नहीं बताएंगे तो कोई चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट भी जाके उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करनी है उससे और बताना है अगर आप रिकवर करना चाहते हैं, रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर फेसबुक अकाउंट आपको चाहिए चाहिए, और अगर भाई नहीं चाहिए ना, तो मैं कहूँगा भाई रिस्क भी क्यों लेना, आप नया अकाउंट बना लो। क्योंकि बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे हमारा पबजी का, फ्री फायर का, ये सब अकाउंट हमारे कनेक्टेड उस फेसबुक अकाउंट से, और हमने यूसी वगैरह खरीदा हुआ, ये खरीदा हुआ, वो खरीदा हुआ है, हमने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लगाए हुए हैं, तो हमें अपना अकाउंट रिकवर चाहिए। तो अगर चाहिए तो जाके रिस्क आप ले सकते हो, और हो सकता है कि वो रिकवर कर दे। अगर कर देगा तो मुझे कमेंट करके 100% आपका ये काम तो करना है, छोटा सा कि मुझे कमेंट करके बतानी है ताकि और लोगों को भी भलो हो सके अगर आपका अकाउंट रिकवर होता है। और अगर रिकवर नहीं होता तो भी कमेंट करके बताना ताकि और किसी लोग का पैसा वेस्ट ना हो दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना, वीडियो से नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मिलूंगा आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।